Emboldened with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed road tax. Gandhiji ne 1919 mein kya kiya, unhone road tax hai kya, ye aapko bata dun, road tax hai car act, isko kehte hain black act. Road tax ka aapko ye bhi aa sakta hai ki what is the another name of road tax, aapko bolna hai black act. Road tax is also known as black act. ये क्यों चलाया था गांधी जी ने, अभी आपको सारा मैं ए टू जेड डिस्कस कर दूंगा. इसकी आपको ये भी हो सकता है कि एक इसका आपकी बुक में तो नहीं दिया, वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. इसका एक इम्पोर्टेंट डायलॉग था, नो अपील नो दलील नो वकील. ना ही तो कोई वकील होगा, ना ही कोई दलील होगी, और ना ही कोई अपील होगी. ना ही तो कोई अपील करेगा, ना ही कोई दलील करेगा, और ना ही कोई वकील करेगा. आपको समझ आ गई होगी, हॉप है. चलिए शुरू कर देते हैं. दिस एक्ट हैज बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट. ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट क्या थी, जैसे कि अभी हमारे पार्लियामेंट है ना, वैसे ही वहां पे अभी के उस टाइम के होते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर. कहते कि ये जो एक्ट था ना, ये काफी ज्यादा खराब था. इसने काफी ज्यादा इंडिया में दंगे फसाद कर रहे थे, गलत काम होने थे इंडिया में. अगर ये रूल एक्ट पास होता था, वैसे हो गया था. ये कहते इंडिया के लोगों की इतनी ज्यादा ऑपोजिशन थी, इंडिया के लोग इसको खत्म करना चाहते थे, इसको भगाना चाहते थे, देश से खत्म करना चाहते थे. बट कहते इतनी ज्यादा ऑपोजिशन होने के बावजूद भी ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से हरिडली पास हो गया. ठीक है, कॉपी क्लियर है. ये जल्दी जल्दी पास हो गई, इतनी ज्यादा ऑपोजिशन थी, यानी ये धक्के से पास हो गया. बट इंडियन की इतनी ज्यादा ऑपोजिशन थी, फिर भी ये आ ही गया. इट गेव गवर्नमेंट इनोमस पावर. कहते कि इसने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर देनी थी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, जबकि उनके पास पहले नहीं थी. क्यों? टू रिप्लेस पोलिटिकल पार्टी. जो पोलिटिकल होता है राजनीतिक, जो राजनीतिक तौर पर पार्टी थी जैसे कांग्रेस पार्टी, उसको खत्म करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए. And allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया, political prisoners, राजनीतिक तौर पे जो गलत काम कर रहे थे उनको वो क्या कर सकते थे, एनी विदाउट एनी ट्रायल, यानी वारंट के बिल्कुल वारंट के बिना वो लोगों को जेल में भेज सकते थे 2 साल तक. कहते कि 2 साल तक ऐसा चलता ही रहा. महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ व्हिच वुड स्टार्ट विद हड़ताल और जिगरप्रेम. कहता कि महात्मा गांधी चाहते थे कि इससे हमें छुटकारा मिले, हम ऐसे दंगे फसाद देश में ना हो. इस एक्ट की वजह से दंगे फसाद तो हो रहे थे, क्योंकि इंडिया की इतनी ज्यादा ऑपोजिशन थी, इंडिया वाले चाहते ही नहीं थे ये एक्ट आए, बट फिर भी आ गया. तो इंडिया वालों ने क्या करना था, दंगे फसाद करने थे. महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडिया वाले लोग दंगे फसाद ना करें, इसलिए उन्होंने नॉन वायलेंस मेथड से क्या किया, एक हड़ताल शुरू कर दी 6 अप्रैल 1919 को रोलर एक्ट के खिलाफ. रैलीज पर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटी, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक एंड रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन. कहते कि रैलीज पूरे देश में, पूरी सिटीज में, पूरे शहर में क्या होगी, रैलीज होना शुरू हो गई. हड़ताल लोगों ने करनी शुरू कर दी, कब, 6 अप्रैल 1919 को. सारी शॉप जो बंद हो गई, ठीक है, सारा कुछ कहते थे बंद हो गया, जो पहले होता था वो बिल्कुल अभी हो रहा था. अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज, अपसर्ज जो होता है जोश, अपसर्ज का मतलब क्या है, जोश. एंड स्केयर्ड होता है डरना. द दैट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्बेड. कहते कि जो रेलवे और टेलीग्राफ, यानी रेलवे से होता है आपको पता ही है कि रेलवे ट्रेन के रिलेटेड टेलीग्राफ होता है, जैसे हम एक दूसरे को मेल पास करते हैं. कहते कि वो भी लाइन थी जो थी, डर था कि वो डिस्टर्ब हो गई. द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट. लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर. कहते कि जो आसपास के लीडर्स थे, लोकल लीडर्स थे, उनको अमृतसर से क्या करते, अमृतसर क्या है, एक सिटी है, कहां पे है ये, पंजाब में अमृतसर एक सिटी है. कहते कि लोकल लीडर जो थे उनको अमृतसर से उठा लिया. महात्मा गांधी वाज बेड फॉर एंट्रिंग दिल्ली. महात्मा गांधी को बेड मतलब होता है रोका गया. महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से पूरी तरीके से रोक दिया गया. पुलिस इन अमृतसर फायर अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन. कहते कि 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि पुलिस ने काफी ज्यादा गोलीबारी की आम लोगों पे, जो शांत लोग थे उस पे की. प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग होता है गुस्सा चढ़ाना,
प्रोवोकिंग का मतलब क्या है, गुस्सा चढ़ाना, वाइट सेपरेट अटैक और बैंक पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, मार्शल लॉ वाज इंपोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। मार्शल लॉ होता है मिलिट्री, मिलिट्री के रिलेटेड, जो मिलिट्री थी वो वहां पे लगनी शुरू हो गई और जनरल डायर ने कहते हैं कि कमांड दे दी। क्या कमांड दी कि 13 अप्रैल को क्या करना, इनफेमस होता है ना भूलने वाला जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है वो हो गया। जलियांवाला बाग भी कहां पे, अमृतसर पे, महात्मा गांधी अमृतसर क्यों आ रहे थे, ताकि वो लोगों को दिमाग में ये आइडिया फिट कर सके कि हमें दंगे फसाद नहीं करने हैं, सत्याग्रह पे हमें मैथड पे चलना है। ऑन दैट डे, कब, कौन से डे पे, 13 अप्रैल 1919, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, कहते कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए जलियांवाला बाग पे, सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू ऑप्रेसिव मेजर्स, कहते कि कई जो लोग थे वो रोलेट एक्ट के खिलाफ लड़ने आए थे। अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। 13 अप्रैल को क्या होता है, हमारी बैसाखी होती है, पंजाब का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जब क्रॉप की कटाई होती है तो तब बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, खुशी के तौर पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। काफी ज्यादा लोग अमृतसर में काफी ज्यादा माथा टेकने जाते हैं, जैसे कि हमें गोल्डन टेम्पल लोग जाते हैं और जलियांवाला बाग भी साथ में घूमाते हैं, कहते हैं कि बहुत सारी पब्लिक वहां पे इकट्ठी हुई थी, कहते हैं कि कई तो बैसाखी फेयर होता है मेला, कई तो बैसाखी का मेला देखने गए थे और कई जो गवर्नमेंट ने रोल एक्ट पास किया था उसको हटाने के लिए गए थे, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए गए थे, कहते कि उनको क्या पता था कि उनके साथ जलियांवाला बाग इंसिडेंट में उसकी डेथ हो जाएगी। क्या किया, जनरल डायर ने जो एक एंट्री पॉइंट से उन्होंने एंटर किया और उसका बंद कर दिया और अनदेखी गोली चलाई, इतनी गोलीबारी हुई कि बहुत सारे लोग जो है वहां पे घायल हो गए। ठीक है, बेंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, ये कहते कि जो लोग अमृतसर के नहीं थे, कहते कि उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ जो है इम्पोज यानी वहां पे लगे लागू हुए हैं। ठीक है, उनको नहीं पता था, कहते कि मार्शल लॉ लागू हुए, मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टर ने एरिया जो जनरल डायर है उसने एंटर किया जलियांवाला बाग में, फिर क्या किया उसने सारे जो बाहर निकलने वाले पॉइंट थे उसको बंद कर दिया और बहुत सारे सौ से भी ज्यादा लोगों को किल किया, मार दिया। ठीक है, और कहते कि उसका मतलब क्या है, वो लोगों को मारना क्यों चाहता था, वो चाहता था कि लोगों सत्याग्रह जो कि ट्रुथ पे बेस्ड नॉन वायलेंस पे बेस्ड चलते हैं, कहते कि उनके दिमाग में आतंकी उनकी माइंड में आतंकी फीलिंग क्रिएट करना चाहता था कि हम ऐसे सत्याग्रह का मेथड नहीं फॉलो करना। ठीक है, एज न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन, दे वर स्ट्राइक क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, कहते कि जैसे जलियांवाला बाग की जो ये न्यूज है पूरी सिटी में फैल गई, पूरे देश में फैल गई, कहते कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दी, स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी, लोगों ने पुलिस स्टेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया, पुलिस वालों से लड़ना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, ब्रूटल होता है बहुत गुस्से वाला, गवर्नमेंट ने कहते बहुत गुस्से वाला जवाब दिया, बहुत गुस्से से उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेररिज पीपल, ह्यूमिलिएट होता है गलत काम करवाना या उसकी बेइज्जती करना, सत्याग्रही जो सत्याग्रही थे, ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी थे, उनको वो बोल रहे थे कि अपने नाक जो है जमीन पे रगड़ो और कुत्तों की तरह, क्रोर होता है कुत्तों की तरह ऐसे जाते हैं ना, जो वो ऐसी तरह पूरी जो स्ट्रीट्स थी वहां पे घुमाया जा रहा था उनको, और कहते थे कि जो बड़े बड़े साहेब थे जैसे कि जनरल डायर थे, उनको कहते कि उनको सल्यूट मारना है, आपने सल्यूट करना है। ठीक है, कहते थे पीपल को काफी ज्यादा मारा बिठाया गया, पीपल वर बीटन, कहते कि काफी जो ऐसे गांव भी थे गुजरांवाला पंजाब, जबकि अब पाकिस्तान में चला गया है, पहले वो इंडिया का ही हिस्सा था, हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, कहते कि क्या हुआ कि ऐसे गुजरांवाला जो कि अब पंजाब पाकिस्तान में है उसको बॉम्ब कर दिया गया, उस वहां पे बॉम्ब लगाए गए, उसको उस जगह पे क्या किया गया, बहुत सारे बॉम्ब भी फेंके गए। कहते कि ये क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी ने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, कौन सी मूवमेंट को, हड़ताल को कॉल्ड ऑफ कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ नेक्स्ट, While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to the cities and towns. कहते कि Rowlatt Satyagraha जो, कहते
बहुत ज्यादा फैला, बट कहते हैं कि ये फिर सिटीज में धीरे धीरे कम होना शुरू कर गया। ठीक है, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट टू नीड अ लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर। कहते उस टाइम पे क्या थे, हिंदू अलग थे और मुस्लिम अलग थे, वो आपस में बोलते नहीं थे, उनका कोई रिलेशन नहीं था, उन्होंने सारे रिलेशन खत्म कर दिए थे। ठीक है, कहते कि महात्मा गांधी को लगता था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम आपस में यूनाइट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई भी मूवमेंट तब तक ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। आप ये सोच रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम आपस में इकट्ठा क्यों नहीं थे, वो क्यों नहीं बोलते थे आपस में। क्या हुआ कि मुस्लिम का जो इम्पायर था, ओटोमन इम्पायर टर्की में जो था, वहां के जो किंग थे खलीफा, उनको हटा दिया गया था, उनकी पदवी से हटा दिया गया था और ओटोमन इम्पायर को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई गई, उनको खत्म कर दिया, ओटोमन इम्पायर को तोड़ फोड़ दिया गया। इसलिए मुस्लिम गुस्सा थे और हिंदू से नहीं बोलते थे। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, एक खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई मुस्लिम ब्रदर्स के द्वारा। मुस्लिम ब्रदर्स के द्वारा कौन कौन से, मोहम्मद अली शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया, बॉम्बे में मार्च 1919 को एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की। किस ने की, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ये क्यों की, ताकि हिंदू और मुस्लिम को एक छतरी के नीचे लाया जाए, यानी हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया जाए। फिर कहते हैं कि कलकत्ता सेशन ऑफ इन कांग्रेस सितंबर 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के आइडिया देने शुरू हो गए। उसके दिमाग में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के आइडिया आने लगे। मैं आपको ये सब ये भी समझाएंगे नॉन कोऑपरेशन वाला भी, पहले भी देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से कौन से क्रिएट हो सकते हैं। व्हेन वाज रोलेट एक्ट स्टार्टेड 1919, व्हाई द रोलेट एक्ट इज हरिडली पास थ्रू थ्रू रोलेट एक्ट है, नेम द इंस्टीट्यूशन बाई विच रोलेट एक्ट वॉज पास हरिडली। आपको बताना है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट। फिर आपको आ सकता है कि व्हाट वाज द एम ऑफ या इंपैक्ट ऑफ रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट ने क्या करना था, अगर रोलेट एक्ट पास हो जाता तो क्या होता, इसने क्या करनी थी, गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स देनी थी और पॉलिटिकल पावर को क्या करना था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को खत्म कर देना था और क्या करना था कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी कैदियों को, ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं उनको क्या करना था, हम जेल में बंद कर सकते थे, ये 2 साल के लिए चलता था, ये भी आप देख सकते हैं, दोनों पॉइंट डाल सकते हैं। ये आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़ताल कब शुरू हुई, 6 अप्रैल 1919 को। फिर अगर ये आ सकते हैं कि नेम ये नहीं आ सकता है कि ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे दंगे फसाद हुए जबकि रोलेट एक्ट पास हो गया, बता देना कि रैली ऑर्गेनाइज की गई, रेलवे वर्कशॉप क्लोज कर दी गई, कम्युनिकेशन और टेलीग्राफ का सिस्टम जो है डिस्टर्ब कर दिया गया, लोकल लीडर को महात्मा गांधी, लोकल लीडर जैसे महात्मा गांधी थे उनको दिल्ली आने से मना कर दिया, पीसफुल प्रोसेशन पे क्या हुआ, दंगे फसाद हुए, उनके साथ गलत काम हुए, उनको गोलीबारी सहनी पड़ी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। फिर कथनी मार्क्स से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, नेम राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर, ये आपको बताना। ठीक है, ये आपको पूरा बताना है कि उनका मोरल इफेक्ट क्या था, उनका वो चाहते क्या थे कि लोगों के मन में आतंकी भावना पैदा करना, कौन कौन से ऐसी जगह है जो कि बोम कर दी गई, आपको बताना है गुजरांवाला जो पंजाब में अभी पाकिस्तान में है, कौन कौन से दो मुस्लिम ब्रदर थे जिन्होंने खिलाफत कमेटी फॉर्म की, शौकत अली और मोहम्मद अली कब फॉर्म थी, बॉम्बे में मार्च 1919 में फॉर्म गई, खलीफा कौन थी, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ये भी आपको आ सकता है। फिर आपको आ सकता है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे क्यों नहीं थे, वो अब मैं आपको बता दिया। फिर आपको आ सकता है कलकत्ता सेशन कब हुआ था, ठीक है, कांग्रेस में हुआ था सितंबर 1920 को। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है जल्दी से जल्दी यहाँ से अभी अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बाद में पूरा जब आपको आपके बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, इसलिए आपसे अच्छे तरीके से पूरा वहां पे बोर्ड के पेपर की तरफ कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो समझ आया जो वर्ड नहीं आया आपको हिंदी में लिख दीजिए, अगर अपनी कोई भी भाषा जो आप बोलते हो वहां से आप लिख सकते हो। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ आ रहा होगा, ऐसे ही अगर आपको वीडियो समझ आती है हमारी तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।